ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੀ ਅੰਗੜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परंतु जो अवरोध थे वो सारे अवरोध हट चुके हैं और मुझे भरोसा है कि 10 साल के अंदर हमारा कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आएगा और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी। मोदी जी ने आज जम्मू कश्मीर, गांधी जी का एक सबसे बड़ा संदेश था स्वदेशी, बड़ा आग्रह था उनका और आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा अंग स्वदेशी बना था और मुझे आनंद है एक पूर्ण स्वदेशी गाड़ी आज रेलगाड़ी आज दिल्ली से कटरा तक जा रही है और रेल के अंदर मेक इन इंडिया की कल्पना, रेल के अंदर मेड इन इंडिया की कल्पना मोदी जी के प्रेरणा से रेल विभाग ने चरितार्थ करने का काम किया है। और जैसे आगे पीयूष भाई और हर्षवर्धन जी ने कहा, दुनिया की किसी भी गाड़ी की सुविधा और किसी भी गाड़ी की टेक्नोलॉजी के साथ 19 नहीं है हमारी ये वंदे भारत की ट्रेन और मुझे गर्व है कि पूर्ण भारतीय रूप से बनी हुई, संपूर्ण भारतीयों ने बनाई हुई और पूर्णतया भारत में बनी हुई ये गाड़ी आज यहाँ से शुरू हुई। नवी दिल्ली वाराणसी तो बाद कटड़ा वंदे भारत दूसरी T18 ट्रेन है। पहली ट्रेन की तुलना में इस विच ज्यादा सुविधावां हन। रसोई यान नूं वड्डा कीता गया है। ट्रेन विच आधुनिक सुविधावां उपलब्ध हन। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चलेगी जो कि 8 घंटे विच नवी दिल्ली तो कटड़े का सफर तय करेगी। वंदे भारत एक्सप्रैस देश की ऐसी दूसरी ट्रेन है जो कि नवी दिल्ली तो मां वैष्णो देवी कटड़ा के विचकार चलेगी। हुण तक दिल्ली तो कटड़ा जाने लई 12 घंटे लगते सन, परंतु इस ट्रेन राही यात्री सिर्फ 8 घंटे विच ही मां वैष्णो देवी दे धाम पहुँच सकणगे, जिस नाल यात्रियों का 4 घंटे का बहुमुला समा बचेगा। इस मौके रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2022 तक कश्मीर तो कन्याकुमारी तक रेल नैटवर्क नाल जुड़ जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रैस श्रवण कुमार की तरह बजुर्गों नूं तीर्थ यात्रा करवाएगी। विश्वास है कि जो तेज गति से अब कतरा से बनिहाल का कनेक्शन रेलवे का बन रहा है, जिसके तेज गति से चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज पे काम चल रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग टनल्स को जोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूं जल्द ही भारतीय रेल कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट एक नेकलेस में पिरो देगी पूरे भारत को। और ये काम जो कई वर्षों से अटक जाता था, कभी कोई गलत गतिविधियां, कभी कोई आतंकवादी गतिविधियों से काम में नरमी गर्मी आती थी, अब आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये काम तेज गति से बनकर अगले 2.5 वर्ष के अंदर ये कनेक्शन भी जुड़ जाएगा और पहली बार भारत के 75 वर्ष के इतिहास में 15 अगस्त 2022 के पहले भारतीय रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सबका सपना है उसको जोड़ देगी।